हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं भी अच्छा हूँ, आप भी शायद अच्छे होंगे। तो ये है RC125 BS6 2020 का मॉडल, एंड हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये बाइक ली है। सो, ये बाइक के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। ये बाइक के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है एक्सेप्ट दो चीज़ें। एक तो ये BS6 इंजन हो गया, उसके बाद में जो कलर स्कीम है वो एक फैंटास्टिक कलर स्कीम इसके अंदर दी गई है KTM की तरफ से। आई होप KTM की जो दूसरी RC200 एंड 390 है उनमें भी ये सेम कलर स्कीम मिल जाए तो एक मज़ा आ जाएगा। और पावर फिगर वगैरह कुछ कम हुआ नहीं है, यू गेट द सेम पावर, 14.5 PS का पावर, एंड यू गेट द सेम टॉर्क ऑफ 12 Nm। इट इज़ 124.7 cc इंजन, लिक्विड कूल्ड है, FI है, अभी BS6 भी है। BS6 आने के बाद में थोड़ा आपको माइलेज ज़्यादा मिल सकता है, मिल सकता क्या है, मिल ही जाएगा। और कुछ ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस हुए नहीं है, आपको मैं सामने रोक के इसका जो लुक है वो दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी बाइक है, 154 किलो की बाइक है, और इसका जो सीट हाइट है वो है 835 mm। तो अगर आपकी हाइट 5.5 से ऊपर है तो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल बाइक रहेगी। हालांकि उससे कम भी है तो आप एक साइड ही पैर रख पाओगे, दोनों तरफ आप पैर नहीं रख पाओगे। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक का माइलेज आपको आराम से 40 मिल जाना चाहिए सिटी के अंदर। तो सिंगल जनरल ABS है, सामने का जो डिस्क है उसका साइज़ है 300 mm, पीछे का जो डिस्क है उसका साइज़ है 230 mm। ये बाइक के बारे में मुझे तीन चीज़ें अच्छी लगती है, इसका ब्रेक, इसका अभी जो कलर है वो, और इसका जो गियरबॉक्स। गियरबॉक्स फैंटास्टिक है KTM की। आप कोई भी बाइक से या फिर कोई भी बाइक 125 या 150 cc की बाइक से अगर आप कंपेयर करोगे सो दिस बाइक हैज़ द बेस्ट गियरबॉक्स। आपको पता भी नहीं चलता कि गियर क्या टाइम पे शिफ्ट हो गया, और सामने का जो ब्रेक है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं स्पेशली अगर इसको कंपेयर करूँ R15 से तो उसके ब्रेक से ज़्यादा मुझे इसके ब्रेक अच्छे लगते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है कि आपको उसके अच्छे लगे। ये कलर बहुत ही अटेंशन ग्रैब करने वाला है, तो सब लोग मुझे देख रहे हैं जो भी बाइक को देख रहा है। और आपको बता दूँ कि जो कैमरे में बाइक दिखती है ना उससे ज़्यादा अच्छी दिखती है अगर आप पर्सनली आके इसको देखोगे। अभी आपको मैं बाइक दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने बाइक लगा ली है। और एक चीज़ और फीचर आपको बता दूँ, अगर आपकी बाइक गियर में है, जैसे मैं गियर में डाल देता हूँ तो बाइक बंद हो जाएगी। ये देखिए, ये सेफ्टी फीचर है, अगर आपका बाइक का जो स्टैंड है अगर आपने ऊपर नहीं किया तो बाइक बंद हो जाएगी। अब इसको फिर से मैं न्यूट्रल में डाल देता हूँ तो ऐसी कुछ दिखती है बाइक। कलर स्कीम आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। जो अब जो कॉम्बिनेशन है इसका, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक, सो तीन कलर इसके अंदर दिए गए हैं। ब्लैक है यहाँ पे, और यहाँ पे है वाइट, और ऊपर जो आपको ऑरेंज दिख रहा है यहाँ पे, ये सब स्टिकर्स है। यहाँ पे KTM का जो बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट में है ये भी स्टिकर है, बाकी पीछे से भी आप देख सकते हो। तो ऐसी कुछ दिखती है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसका जो कैटलिक कन्वर्टर ऐड हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये कैटलिक कन्वर्टर ऐड कर दिया गया है। पावर वाइज कुछ कम या ज़्यादा नहीं हुआ है, 14.5 PS का पावर, 12 Nm का टॉर्क आपको मिलता है, और बाइक कुछ ऐसी दिखती है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने यह बाइक ली है, सिंगल जनरल ABS के साथ आती है। पीछे का जो डिस्क ब्रेक है उसका साइज़ है 230 mm, एंड द फ्रंट वन इज़ 300 mm। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, ये आप देख सकते हैं 300 mm का डिस्क दिया गया है, इट कम्स विद सिंगल चैनल ABS। पीछे आपको ABS की रिंग दी गई है, लेकिन इट इज़ ओनली फॉर दी RLP, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। ट्यूबलेस टायर आपको दिए गए हैं, हमारे पास रेस टायर है 150x60 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है, ऑरेंज कलर का हेलो व्हील दिया गया है। सामने का टायर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारे पास रेस टायर है, इसका टायर साइज़ भी आप देख सकते हैं 110x70 17 इंच का टायर दिया गया है। लिक्विड कूल्ड फैसिलिटी के साथ आती है, यहाँ पे आपको रेडिएटर दिख रहा है, सामने एक अच्छा सा रेडिएटर गार्ड भी दिया गया है ताकि पत्थर वगैरह कुछ लगे ना। मिरर्स आप आराम से सेट कर सकते हो कोई भी डायरेक्शन में, और अगर मैं मेरी बाइक से कंपेयर करूँ इसको तो इसका जो विजिबिलिटी है मिरर्स की, पीछे की, काफ़ी अच्छी रहती है। आप आराम से कोई भी डायरेक्शन में इसको आप घुमा सकते हो, ईजी है। और इसका सिटिंग पोस्चर जो है ना उतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, जितना आप अपराइट बैठते हो तो कुछ ऐसी दिखती है बाइक। ये ब्लैक कलर में दिया गया है, ये ऑरेंज कर दिया गया है, जो पेट्रोल का टैंक का कैप है दैट इज़ इन ब्लैक कलर। सो दैट्स ऑल गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी आपको मैं इसका एग्जॉस्ट नॉट सुना देता हूँ।